फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला ICICI बैंक में आप किस तरीके से स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ICICI मोबाइल बैंकिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको फिंगरप्रिंट से ऑन है तो फिंगरप्रिंट से ऑन कर लीजिएगा, या फिर 4 डिजिट पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा और आपके मेल आईडी में क्या है कि आपका स्टेटमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट यहाँ लेना चाहते थे, जैसे कि मैंने पहले ले रखा है, ठीक है, तो आप भी ले सकते हैं, ठीक है, ईमेल पे। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, अगर डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और 1 साल 2 साल 3 साल या फिर कितने का चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, मोर और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, जो भी अकाउंट डिटेल वाला चाहिए तो यहाँ पे आप अपना 1 साल का लेकर के यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके आप 1 साल का स्टेटमेंट आराम से इजीली ले सकते हो, या फिर डेट बाय डेट सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया PDF व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे PDF आ जाएगा, और यहाँ पे आपको मेल सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मेल पे आप सेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो कि स्टेटमेंट को ले सकते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।